हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं वेस्टवर्ड सीरीज का फोर्थ सीजन और ये इस सीरीज का 19th पार्ट है। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जेंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है और इस बार उनके साथ ओजू भी है, जिसे नाजिया ने उस सूत्रा को चुराने भेजा है। तभी अचानक वहाँ बादल गरजने लगते हैं और जेंग समझ जाता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जल्दी ही ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वो लोग किसी तरह उनका मुकाबला करने लगते हैं और जेंग बताता है कि बुल क्लैन के आगे का इलाका इन ज़ॉम्बीज़ का ही है और ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले। तभी ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड फिर से उनकी ओर बढ़ता है और उजी को बचाने के लिए बाइलेंग अपनी वुल्फ सोल को एक्टिवेट करता है। ओजू भी लड़ने के लिए अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है, लेकिन जेंग कहता है कि हमारा अगला पड़ाव यहाँ से थोड़ी ही दूर है और हमें इनसे लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सैंडी अपनी रेत की पावर से ज़ॉम्बीज को आगे बढ़ने से रोकता है। जल्दी ही वो लोग घाटी के एंड तक आ जाते हैं और देखते हैं कि आगे का इलाका पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तभी उसी की नज़र नीचे घाटी पर जाती है, जहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सैंडी उसे और आगे जाने से वॉर्न करता है, क्योंकि अगर गलती से वो नीचे गिर गई, तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। बाजी को भी ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बताता है कि लास्ट टाइम भी उन्हें यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। फिर वो अपने साथी मंकी किंग को याद करता है कि काश इस वक्त वो भी यहाँ होता। और इस पर जेंग कहता है कि मंकी किंग की अपनी खुद की डेस्टिनी है और मुझे यकीन है कि जल्दी ही हमारी मुलाकात दोबारा होने वाली है। आगे का सीन हेवन का है, जहाँ अचानक से खतरे वाली घंटी बजने लगती है और ये सुनकर क्वान और जनरल यान परेशान हो जाते हैं। क्वान को लगता है कि शायद हेवन पर कोई खतरा आने वाला है और तभी वो आसमान में मंकी किंग के फेस को गरजते हुए देखते हैं। यान कहता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारा है और उसका यहाँ दिखना एकदम इम्पोसिबल है, लेकिन अगर फिर भी ये मंकी किंग ही है तो मैं आज उसे दोबारा मार डालूंगा। मंकी किंग की दहाड़ से धरती पर भी बिजली कड़कने लगती है और यही हम रूलाई को अपने बर्ड फॉर्म में कहीं जाते हुए देखते हैं। उसे भी मौसम में आए इस बदलाव से बहुत हैरानी होती है और पास ही एक पहाड़ी पर रुककर वो अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। उसे एक तरह से डेजा वू की फीलिंग होती है, यानी ऐसा मोमेंट जो आप पहले भी फील कर चुके हो। और इसका राज जानने के लिए वो अपने ट्रैकिंग व्हील को एक्टिवेट करता है। इससे वो जान जाता है कि साउथ में 300 मील दूर एक डीमन पैदा हुआ है और वो जगह मंकी किंग का राज्य हुआंगुशान है। वो पहले भी उस जगह पर जा चुका है और सोचता है कि ना जाने अब वो किस हाल में होगी। आगे का सीन हुआंगुशान का है, जो देखने में किसी नरक जैसा लग रहा है और वहाँ कुछ सोल्जर्स एक दूसरे मंकी को पीट रहे हैं। वो उसे डार्क सोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने किंग की बात माननी ही होगी। यही हम उनके किंग बायरन को देखते हैं, जो कहता है कि मंकी किंग के बाद अब मैं यहाँ का राजा हूँ और कोई भी मेरे हुक्म को नहीं टाल सकता। वो मंकी उससे रहम की गुजारिश करते हैं, लेकिन बायरन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी उसके लोग एक इंसानी बच्चे को वहाँ लाते हैं और बायरन कहता है कि तुम्हें इस इंसान को खाकर दिखाना होगा ताकि डार्क सोल में तुम्हारा कन्वर्जन पूरा हो सके, लेकिन वो मंकी ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मंकी किंग ने इंसानों को नुकसान पहुंचाने से मना किया था। ये कहकर वो पास ही खड़े उस सोल्जर को एक घूंसा जड़ देता है और बायरन ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो उस मंकी को सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि मंकी किंग का टाइम अब जा चुका है और अब इस जगह पर मेरा हुक्म चलता है। फिर वो उस मंकी को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन देखता है कि वो अभी भी उसे किंग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और ये देखकर उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मंकी किंग अब मर चुका है और अब मैं तुम्हें भी उसके पास भेजने वाला हूँ। तभी अचानक वहाँ बादल गरजने लगते हैं और जमीन से लावा की लपटें निकलने लगती हैं। फिर वो एक बड़े से पत्थर को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है। बायरन अपने सोल्जर्स को उसे चेक करने को बोलता है, लेकिन देखता है कि वो तो डर से कांप रहा है। उसे अपने सोल्जर की ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जबरदस्ती नीचे धकेल देता है। वो बेचारा सोल्जर डरते हुए उस पत्थर के पास जाता है और अपनी स्टिक से उसे छूकर देखता है। फिर वो कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये तो बस एक आम पत्थर है और उसके सभी साथी ये सुनकर हंसने लगते हैं। तभी उस पत्थर से एक पंच बाहर आता है और उस सोल्जर को उठाकर दूर फेंक देता है
फिर अचानक वो पत्थर हवा में उड़ते हुए चकनाचूर हो जाता है और वो देखते हैं कि उसमें से एक इंसान जैसा लड़का बाहर आया है जो असल में मंकी किंग का पुनर्जन्म है। मंकी किंग इस जगह को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ना जाने में कितने टाइम से सो रहा था। सोल्जर बायरन से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। उधर मंकी किंग के दिमाग में भी यही सब चल रहा था कि आखिर मैं हूँ कौन, क्योंकि उसे बस इतना याद था कि लास्ट टाइम वो एक ब्रिज पर भाग रहा था। तभी उसकी मेमोरीज बबल के रूप में जमीन से बाहर आने लगती है और वो एक एक करके उन्हें पहचानना शुरू कर देता है। जल्दी उसे सब याद आ जाता है और वो उन सब मेमोरीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, लेकिन उसे इस बात से हैरानी होती है कि आखिर वो एक बच्चे की फॉर्म में कैसे आ गया। उधर बायरन अपने सोल्जर से उसे खत्म करने को बोलता है, लेकिन उनकी स्टिक्स का उस पर कोई असर नहीं होता और बायरन ये देखकर चौंक जाता है। मंकी किंग को भी उनकी इस नादानी पर बहुत तरस आता है और वो कहता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो आम मंकी उसके सामने भला कितनी देर टिक सकते थे, और जल्द ही वो उन सबको चित कर देता है। बायरन कहता है कि क्या तुम सच में मंकी किंग हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं पहले से बहुत शक्तिशाली हो चुका हूँ। ये कहकर वो मंकी किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन मंकी किंग उसका पैर पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। इसी तरह वो बायरन की बहुत पिटाई करता है और बाकी मंकी समझ जाते हैं कि बायरन उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इधर बायरन मंकी किंग से कहता है कि शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो और मैं वही छोटा मंकी हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था। बाकी मंकीज की तरह मैं भी तुम्हें बहुत मानता था, लेकिन फिर अचानक तुम हेवन में चले गए और वहाँ से लौटकर कभी वापस नहीं आए। तब से हम अपने हाल पर ही जी रहे थे और क्लैन को एक साथ रखने के लिए मैं अपनी ताकत से यहाँ का किंग बन गया, और अब तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहते हो। वो उसे दोबारा लड़ने के लिए चैलेंज करता है और ये सुनकर मंकी किंग की हंसी छूट जाती है। फिर वो उड़ता हुआ ऊपर आसमान में जाता है और हम देखते हैं कि उसने अपना मॉन्स्टर रूप ले लिया है। बायरन भी उसकी इस ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता और मंकी किंग उसे बताता है कि अब मैं तुम्हें पहचान गया हूँ और मेरे पीछे तुम ही ने इस जगह को बर्बाद कर दिया। वो कहता है कि मेरे बिना भी तुम यहाँ आराम से रह सकते थे, तो फिर तुमने डार्क सोल में कन्वर्ट होना कैसे एक्सेप्ट कर लिया। इस पर बायरन कहता है कि हमारे गलत रास्ते पर जाने का कारण भी तुम ही हो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर तुम हमारे साथ कहीं नहीं थे। असल में वो भी मंकी किंग जैसा ताकतवर बनना चाहता था और डार्क सोल ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता और वो एक बार फिर मंकी किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन शायद उसने मंकी किंग की असली ताकत को नहीं पहचाना था और इस बार वो उसके अटैक के सामने नहीं टिक पाता और मंकी किंग उसे मसल कर दूर फेंक देता है। वो बायरन से कहता है कि ये सब गलती तुम्हारी सेल्फिशनेस की है और इसी कारण तुम ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। बाकी मंकीज भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन मंकी किंग उन्हें अपनी चीख पुकार बंद करने को कहता है। फिर हम उसे अपने नॉर्मल रूप में वापस आते हुए देखते हैं और वो सोचता है कि इन लोगों ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि रूल आई वहाँ उससे मिलने आया है। मंकी किंग भी उसे देखकर पहचान जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। रूलाई जानता है कि उसके दिल में हजारों सवाल हैं और वो मुझसे इनका जवाब पाना चाहता है, लेकिन वो उसे कुछ टाइम के लिए इंतजार करने को कहता है और बताता है कि पहले हमें एक दूसरा जरूरी काम निपटाना होगा। मंकी किंग उसे इस काम के बारे में पूछता है, लेकिन रूलाई उसे बस इतना बताता है कि इससे जैंग और उसके साथियों की जर्नी आसान हो जाएगी। फिर वो उसे अपने साथ असुरों के राज्य में चलने को बोलता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।